हूँ शिराज चौधरी साहब, पंजाबी हूँ लेकिन ये मुझे प्यार से सिराइकी बोलते हैं। नाज़रीन, तो फिर हम अपनी फाइनल लोकेशन पर पहुंच गए और जिन्होंने हमें इनवाइट किया था वो भी मेरे साथ मौजूद है। मैं कुछ ही देर में आपकी इनसे मुलाकात भी करवाऊंगा और हमारा यहाँ पे आने का जो मकसद था वो मकसद ये था कि इस जगह को एक्सप्लोर करें कि इस जगह को दरअसल कितने साल हो गए और इसकी हिस्ट्री क्या है। वेलकम टू फोर बाय प्रोडक्शन, ये भी आएगा लेकिन मैं भी हूं। अबे तू भी भाई, नवाब शेख रस्ता का। अरे अरे मेज़बान मेज़बान मेज़बान। तो सामान भाई मेरे साथ मौजूद है, तो इनसे पूछेंगे यार इस जगह के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमें बताएं कि इधर क्या हुआ था, ये जगह किस दौर में आई थी और इस जगह को बनने का मकसद क्या था, ये जरा बताएं। ये जब बादशाही सिस्टम चल रहा था ना, तो ये जो बंदा यहाँ पे जिसकी ये टोटल सिस्टम बना हुआ है, ये यहाँ का एक बादशाह था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ दरवाजा खुले आगे अंदर जाएं। वो हम इनको फर्दर डॉक्यूमेंट्री में बनाए बताएंगे ना हरीश भाई। बिल्कुल बिल्कुल, इनमें हर चीज के बारे में। ये हमारा व्लॉग है, ये सिर्फ व्लॉग है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री जो आएगी ना वो आप देखिएगा किस किस एंगल से जो शॉट लिए जाएंगे इसके। वो देखे पीछे 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 प्रोडक्शन का काम किया जाएगा, प्रोडक्शन लगी हुई है। प्रोडक्शन प्रोडक्शन भाई जहाँ देखो कंगा चाहिए। अभी मैं बताता हूँ जी जी, जगह दिख रही है ना जी जी, ठीक है। इसमें बोलते हैं कि इसमें सोना है, ठीक है, और इसमें मालिक इसके साथ बेलचे 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 लेकर आने चाहिए थे फिर साथ नहीं। बोल रहे हैं उसमें जो है ना जी जी, ठीक है, पर पानी आने के बाद जो ये जगह टूटनी शुरू हो गई, गांव वाले ने खुदाई की, पर खुदाई करने के बाद आर्मी या पुलिस शायद आ गई, तो यहाँ उन्होंने इजाजत वगैरह नहीं दी होगी उनको। अंदर से पेपर वगैरह कुछ निकले, बाकी जो है सामान नहीं निकला। यहाँ पे दरवाजे थे, दरवाजों को किया हुआ था सील पुराने तरीके से, तो सील करने के बाद किसी को भी ना बचाने जाने दिया और ना ही लोगों ने जाने दिया। तो लोग बोलते हैं इसके अंदर जो है कोई सांप वगैरह है जो अंदर खजाने को या किसी चीज को, वो जो कहते हैं नागिन वगैरह जो होती है, वो जो गिरे हुए हैं, ठीक है, उनके अंदर जगह खाली है। अब ये देखो गिरा भी नहीं और अंदर से लग रहा है जगह भरी हुई है किसी चीज से, क्योंकि अगर खाली होता तो नीचे धस जाता। तो इसमें लग रहा है कोई मतलब चीजें हैं अंदर। क्या लगता है आपको? हमें तो यही लग रहा है जैसे ये अंदर फिल हुआ है और बाहर से बंद है, जैसे कोई खजाना वदाना हो। बोलते रहे आर्मी आ गई थी, इजाजत नहीं दी गई थी, नहीं दी गई। चलो हाँ चलो, नसीब हमारे नहीं, अमीर हो सकता अपन इस जन्म में नहीं हो सकते। इजाजत दो आगे का तो हम खोदें, ठीक है। अच्छा आलू का और सुबह मिलना है इंशाल्लाह, सुबह करेंगे। असल काम जो है सुबह का, अभी तक कुछ नहीं, अब सारा जो मकसद था वो हो गया फूल। अभी आएंगे सुबह फजर से पहले, फजर के बाद उठेगा तू। मैं तो 12 स्लीपलेस आवर्स लेटर, क्या दिन का भी सही है। और ये बंदा है जो कह रहा था कि ना फजर से पहले हम लोग शूट पे चलेंगे, और अभी 6 बज रहे हैं तकरीबन और ये अभी तक फुल पड़े में टुन। मतलब यार इनकी ज़िंदगी सही है और एक हम आसरे में पूरी रात हो गई, नींद नहीं आ रही है। स्ट्रगल चेक करो लौंडो की, तैयार है हल्दे, जा क्यों नहीं रहे यार तुम? फजर से पहले जा रहे थे, फजर के बाद जाएंगे ना, उड़ गए ना बस, अब बस जा रहे हैं बस अभी। फजर भी गुजर गई है तो वो सब तो ठीक है, रोता क्यों रहता है वीडियो में? उड़िए अब जा रहे हैं अब। इकराम भाई से इंस्पायर तो नहीं हुए तुम? इकराम भाई हमारे लेजेंड बंदे चल रहे हैं। शराब भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या सीन है यार, कल आप कल शूट करने का बोल रहे थे लेकिन अब आज कल है, क्या सीन है? सुबह के 7:30 बज रहे हैं, कल हमने 5 बजे शूट करना था और आज हम करने जा रहे हैं। मजीद में कुछ नहीं कह सकता, खुआरी लग गई है, सारी रात सोया नहीं हूँ, आंखें फट के बाहर आ रही। यार आप सो गए, झूठ नहीं बोलो, मतलब इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए बंदे को यार। और ये देखें फुल फुल फुल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।